Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज हम सूरत नूह की आयत नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. आयत नंबर 2 तक अल्लाह के फजल व करम से हम मुकम्मल कर चुके हैं. आज का हमारा सबक सूरत नूह की आयत नंबर 3 से स्टार्ट होगा. पहले हम इस अपने सबक को जोड़ों के साथ पढ़ेंगे और फिर जोड़ों के बगैर पढ़ेंगे. तो चलिए हम चलते हैं अपने सबक की तरफ. ये वीडियो आपकी खिदमत में लर्न कुरान वेब की जानिब से पेश की जा रही है. अगर आप भी घर बैठे कुरान मजीद की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो हमसे राब्ता करें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. हमज़ा ज़बर अ नून ऐन ज़ेर निअ बा पेश बु दाल लाम पेश दुल लाम खड़ी ज़बर ला हा ज़बर हा अनिअबुदुल्लाह. यहाँ पर ये लफ्ज़ अल्लाह आ गया है. तो लफ्ज़ अल्लाह के पीछे वाले हरफ के ऊपर अगर ज़बर या पेश हो तो हम लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करके पढ़ते हैं. अगर ज़ेर हो तो हम बारीक करके पढ़ते हैं. यहाँ पर दाल के ऊपर पेश है तो हम इसलिए लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करके पढ़ेंगे. अनिअबुदुल्लाह वाउ ता ज़बर वत्ता ज़बर ता. यहाँ पर ता के ऊपर शद है तो ता मुशद्दद हरफ है तो हम वाउ को ता के साथ मिलाकर पढ़ेंगे. वाउ ता ज़बर वत्ता ज़बर ता ऑफ वाउ पेश हू है पेश हू वत्ता हू वाउ ज़बर व हमज़ा ज़बर अ हम इस वाले मीम को साकिन करेंगे और काफ को या वाले मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे. यहाँ मीम के ऊपर शब्द है तो हमने काफ को मीम के साथ यहाँ पर मिलाकर पढ़ना है. काफ मीम पेश कुम मीम नून ज़ेर मीन लकुम मीन ज़ाल पेश दु नून वाव पेश नू बा ज़ेर बी काफ मीम पेश कुम दुनू बी कुम वाव ज़बर वा या पेश यू हमज़ा खा ज़बर अख़ारा ज़ेर ख़िर वायु अख़िर काफ मीम पेश कुम वायु अख़िर कुम हमज़ा ज़ेर इ लाम खड़ी मद ज़बर ला इला हमज़ा ज़बर अ जीम ज़बर ज लाम मीम दो ज़ेर लिम मीम दो अजरिम मीम पेश मुँ. यहाँ पर मीम के ऊपर शद है तो हम लाम को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे. सीन मीम ज़बर सम मीम दो ज़बर मन. यहाँ पर भी मीम के ऊपर शद है तो हमने लाम को मीम के साथ मिलाकर पढ़ना है और सीन को ये वाले मीम के साथ मिलाकर पढ़ना है. अजरिम मुसम्मन हमज़ा नून ज़ेर इन नून ज़बर न इन्ना हमज़ा ज़बर अ जीम ज़बर ज लाम लाम ज़बर लाम खड़ी ज़बर ला हाज़िर ही अजल अल्लाही. तो यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह आ गया है तो हम यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह आ जाए अगर उसके पीछे वाले हरफ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो हम लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करके पढ़ते हैं. अगर बारीक हो अगर ला पीछे वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो हम बारीक करके पढ़ते हैं. यहाँ पर लाम के ऊपर ज़बर है तो हम इसलिए लफ्ज़ अल्लाह को मोटा करके पढ़ेंगे. अजल अल्लाही हमज़ा ज़ेर इ ज़ाल अलि ज़बर ज़ा इज़ा जीम अलि मद ज़बर जा इज़ा जा हमज़ा ज़बर अ जा लाम अलि ज़बर ला या पेश यू हमज़ा खा ज़बर अख खा ज़बर खा. यहाँ पर खा के ऊपर शद है तो हम हमज़ा को खा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे.
حمزہ خوا زبر اخ خوا زبر خوا را پیش رو یو اخ خارو لام واو زبر لو کاف نون پیش کن تا میم پیش تم لو کنتم تا عین زبر تا لام زبر له میم واو پیش مون نون زبر نه لو کنتم تعلمون. तो हमने जोड़ों के साथ पढ़ लिया है, तो अब हम अपने सबक को जोड़ों के बगैर पढ़ते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिअबुदुल्लाह वत्तकूहु वअतीउन यगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम वयुअख्खिरुकुम إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق الله العظيم.